हेलो गाइस, एक बिग बिग न्यूज आया है शिवानु को लेकर। शिवानु प्राइस रिबाउंड एज होयल एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ शिप। शिवानु इन्वेस्टर मार्स ब्रदर डॉट ईटीएस ने एक बड़ा अमाउंट करीब 2.99 मिलियन शिव इकट्ठा किया है लास्ट फर्स्ट आवर्स में। इसका मतलब शिवानु फिर से क्रिटिकल सपोर्ट से रिबाउंड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सोर्स मार्स ब्रदर डॉट ईटीएस ने करीब 336.29 बिलियन शिव ऐड किया है। इसके अंदर बाइनांस 15 नाम की एक वॉलेट है जिसके 2.99 मिलियन डॉलर है। वही से मतलब बाइनांस 15 से ही 2.99 मिलियन इकट्ठा किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिवायनो प्राइस रिबाउंड एज होल एड्स लार्ज अमाउंट ऑफ शिप्स। डीप पॉकेट शिवायनो इन्वेस्टर टैग्ड मार्स ब्रदर डॉट ईटीएस अमास्ट ए ऑफरिंग ऑफ 2.99 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ शिप इन द पास्ट आवर्स एज द प्राइस ऑफ शिवायनो रिबाउंड शार्पली फ्रॉम द क्रुशियल सपोर्ट ऑन द डेली चार्ट। अगर देखेंगे तो यहाँ पर इथरस्कैन से डेटा मिला है दैट ए वॉलेट नेम मार्स ब्रदर डॉट इट इज एडेड ए स्टैगरिंग ऑफ 336.29 बिलियन शिप वर्थ 2.99 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम वन ऑफ द बाइनेंस एसोसिएटेड वॉलेट नेम बाइनेंस 15। द ट्रांजेक्शन वॉज एग्जीक्यूटेड एट 9.38। अगर शिवा का प्राइस की बात करें तो देखिए द ट्रांजेक्शन कम आफ्टर शिवा इन रिबाउंड फ्रॉम इट्स क्रिटिकल सपोर्ट। प्राइस जो था मार्केट वैल्यू था वो जो सपोर्ट का था वही से रिबाउंड होने वाला है ये। ऑन द डेली चार्ट शिवा इन प्राइस सीम टू बी एस्टेब्लिश्ड अबव 50838 एज बियर कुड नॉट टेक शिप बिलो द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिंस नवंबर 9। ऑन मंडे डिसंबर 12 द शिवा इन रीटेस्टेड द 0.50838 लेवल फॉर द थर्ड टाइम। अगर बात करें शिवानु का सपोर्ट लेवल का तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर क्रुशियल जो सपोर्ट है शिवानु का ये बहुत नीचे है। यही से अगर ऊपर रहेगा तो शायद रिबाउंड हो सकता है। अगर देखिए शिव रिबाउंड फ्रॉम क्रुशियल सपोर्ट लेवल्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग शिवानु इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 0.508875 में, मतलब ये -0.20% डाउन ओवर द लास्ट डे। शिवायनु ट्रेडर हैव एक्सचेंज हैंड विद 115.4 मिलियन वर्थ ऑफ शिव इन द पास्ट 24 आवर्स। तो फ्रेंड ये बहुत बड़ा न्यूज है शिवायनु को लेकर। जो शिवायनु होल्डर है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि इसका प्राइस बहुत हाई जाने वाला है। तो शायद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, खुद रिसर्च करिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर।